Students, now next question is what? We understood the relation of the velocity of sound along with pressure and density. Now we are looking at what? Temperature. Okay, temperature ke sath relation kya hai uska? You know what is ideal gas equation? Kaun bata sakta ideal gas equation kya hota hai? Ideal gas equation. Who will tell me ideal gas equation? किसको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? बॉयल्स लॉ आपने सीखा होगा लास्ट ईयर. पीवी इक्वल्स टू क्या याद है? पी इज प्रेशर, दिस इज वी कैपिटल वी है वॉल्यूम. पी इज व्हाट? प्रेशर. कैपिटल वी इज वॉल्यूम. आपको पता है कि नहीं पता है वो बताओ. एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, R मतलब रिडबर्ग कॉन्स्टेंट, सॉरी यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट. यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट. T मतलब टेम्परेचर. डू यू नो दिस आइडियल गैस इक्वेशन? नहीं पता है तो याद रखना. आइडियल गैस इक्वेशन इज गिवन बाय पीवी इक्वल्स टू एनआरटी. पीवी इक्वल्स टू वॉट? एनआरटी. तो स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज पी? देयरफॉर पी इक्वल्स टू व्हाट? एन आर टी अपॉन वॉल्यूम. एन आर टी अपॉन वॉल्यूम. ओके, तो मैं अभी पी के जगह पे वैल्यू पुट करूंगा. वी स्मॉल वी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर अपॉन रो मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज पी? एन आर टी अपॉन वॉल्यूम. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, लिसन स्टूडेंट्स, आर अपॉन रो एन आर अपॉन वी मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ टी. तो स्टूडेंट्स, हियर अंडर रूट ऑफ आर अपॉन रो मल्टीप्लाई बाय एन आर अपॉन वी आर कॉन्स्टेंट. ये कॉन्स्टेंट होता है, मतलब वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मल्टीपल ऑफ अंडर रूट ऑफ टी. देयरफॉर वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी. तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड temperature. Velocity of sound is directly proportional to under root of temperature.